नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नथुलागंज नगर क्षेत्र से बहने वाली कोलान नहर रात्रि में अचानक टूट जाने से हजारों गैलन पानी बह गया। वहीं किसान द्वारा कई बार नहर की साफ सफाई व क्षतिग्रस्त होने के बारे में अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के चलते देर रात नहर टूट गई और हजारों गैलन पानी बह गया। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि इस बात की सूचना जब SGO जल संसाधन विभाग को दी गई तो उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं करने के चलते किसानों को भारी नुकसान हो गया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया और वहीं नहर को बंद कराया और नुकसान की भरपाई किसानों की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अफसर वाहन छोड़कर भाग निकले। इसमें मैंने स्वयं निरीक्षण किया है और जैसा आप बता रहे हैं कि नहर तो टूटी है लेकिन उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वो जो नहर जहाँ से टूटी है वो नाले वहाँ पे प्राकृतिक नाला था, उससे पानी निकल रहा है और वो अब बंद भी हो गया। और रही बात तीन चार जो किसानों को नुकसान हुआ उनको हम लोग आर्थिक सहायता देंगे और संबंधित विभाग को तत्काल नहर ठीक करने हेतु कहा गया है और मेरे द्वारा इस संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया गया। क्या मामला है ये पूरा, क्या मसला है? ये जो नहर फूटी है ये लापरवाही नहर विभाग की है, अधिकारियों की लापरवाही है इसमें। इसको पहले हमने सचेत भी कर दिया था, सफाई जब हो रही थी कि इसमें सफाई नहीं हो रही, सारा कचरा कूड़ा जा करके नहीं नहर की शटरों में रुकेगा, नहर फूटेगी, हमारा ही नुकसान है, शासन का नुकसान है। आखिर कोई परवाह नहीं की कल की तारीख में, कल 11 तारीख थी, दिन शुक्रवार था, कल हमने शाम के टाइम पे SDM साहब को फ़ोन किया कि भाई ये नहर वो खतरे के हिसाब से बह रही है और ये नहर फूट सकती है, फूट जाएगी कुछ ही पलों में समय में। और वो आखिर उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया कि आ रहे हैं हम आ रहे हैं। आप जाके सुबह भी 6 बजे फ़ोन लगाया तो 11 बजे वो लोग आए। अब हमारी फसलों का नुकसान हो गया, सब बोया हुआ खेत बह गया, मट्टी बह गई, फूट गया। इतनी बाढ़ में भी कभी नहीं होता ऐसा नुकसान जितना ये नुकसान अभी हुआ हमारा। इसमें कितना महंगा खाद, हमने खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, कैसे हमने खाद उपलब्ध कराया, बीज लाए बोया। अब उसके बाद में ये ज़मीन मैंने लेबलिंग कराई थी, इसमें 30,000 रुपये का खर्चा आया था, इसको ब्लेड से बराबर करा था, इसको हल्का सा खेत का रेला था, इसको बराबर करा था मैंने। और उसके बाद 4 डंफर मिट्टी मैंने 2,500 डंफर में डलवाई थी, 30-40 हज़ार रुपये लगाया था, पूरा खेत खोद डाला हमारा। इस प्रकार की स्थिति है, विभाग का कोई आदमी आया ही नहीं। नथुलागंज से खबर समीक्षकत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।